सरकार को मिलने वाली टैक्स की राशि बढ़ाने के लिए सरकार अब कई लोगों को आयकर के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। जिन लोगों के खर्चे तो बहुत हैं लेकिन वे फिर भी आयकर दायर नहीं करते हैं। मोदी सरकार के आम बजट में ये प्रावधान किया गया है जिसके तहत विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए से अधिक खर्च करने वालों को अब रिटर्न भरना होगा। साथ ही जिन लोगों का साल भर का बिजली का बिल 1 लाख से अधिक आता है उन्हें भी रिटर्न भरना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में ये प्रावधान किया गया है कि जिस व्यक्ति के बैंक में 1 से अधिक चालू खाते में 1 करोड़ से अधिक की राशि होगी उसके लिए भी अब रिटर्न भरना अनिवार्य हो गया है। साथ ही जिन लोगों द्वारा मकान या बॉन्ड्स की बिक्री पर कैपिटल गेन टैक्स का लाभ दर्शाते हैं उनके लिए भी अब रिटर्न दायर करना अनिवार्य बना दिया गया है। सरकार को ये प्रावधान बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि किसी व्यक्ति की आमदनी आयकर छूट की सालाना सीमा 2.5 लाख से कम है तो उसे आयकर रिटर्न दाखिल करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा लेन देन नहीं करता है तो उसे आयकर रिटर्न भरना आवश्यक नहीं है। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते सरकार ने रिटर्न भरवाने के लिए आयकर कानून की धारा 139 में संशोधन किया है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.